दोस्तों Xiaomi ने अपना नया फोन Redmi 6 Pro लॉन्च कर दिया है। तो कैसा है यह फोन और क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस, आपको यह फोन लेना चाहिए या फिर नहीं, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल Tech Tutions में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन की स्पेसिफिकेशंस की। तो इस फोन में दोस्तों आपको मिलेगा 5.84 इंचीज का फुल HD डिस्प्ले 19:9 रेशो के साथ में। और अगर फोन की लुक की बात करें तो दोस्तों यह है बिल्कुल पुराने वाले फोन की तरह ही है। आपको पीछे की तरफ ड्यूल कैमरा मिल जाएगा और फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको पीछे ही मिलेगा। मेटेलिक फिनिश के साथ में यह फोन आएगा, बिल्कुल ही सेम नोट 5 प्रो की तरह ही यह फोन दिखता है। कोई भी चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं, बिल्कुल सेम डिजाइन यहाँ पर रखा गया है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर, जो कि इसके पुराने वाले फोन में भी बिल्कुल सेम था। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में मिलेगा आपको 4000 mAh का बैटरी, और यहां पर Xiaomi दावा कर रहा है कि इस फोन में वह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसी टेक्नोलॉजीज भी देगा। और अगर बात करें कैमरा की तो यहाँ पर आपको मिलेगा पीछे की तरफ 12 MP प्लस 5 MP का कैमरा, और आगे यहाँ पर आपको दिया गया है 5 MP का सेल्फी कैमरा। और अगर कलर्स की बात करें तो यह फोन आपको 5 कलर्स में अवेलेबल मिलेगा, जो कि होंगे रोज गोल्ड, सैंड गोल्ड, लेक ब्लू, ब्लैक एंड फ्लेम रेड। ये तो थी दोस्तों बिल्कुल बेसिक सी स्पेसिफिकेशंस। तो अब बात कर लेते हैं कि Xiaomi आखिर इस फोन में नया क्या लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे फ्रेंकली पूछें तो ये फोन बिल्कुल ही इसके पुराने वाले फोन Redmi Note 5 Pro की तरह ही है। ज्यादातर स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स बिल्कुल ही सेम है, डिज़ाइन और लुक बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ही सेम रखा गया है। तो आखिर इस फोन में Xiaomi ऐसा क्या लेकर आया है कि उन्होंने नया फोन लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों Xiaomi अपने इस फोन में दे रहा है डिस्प्ले में एक नॉच, जो कि iPhone 10 की तरह ही है, और यह आजकल ट्रेंडिंग में भी है। हर कंपनी अपने मोबाइल फोन के डिस्प्ले में नॉच दे रही है। इसके अलावा इस फोन में Xiaomi ने कुछ भी ऐसा नया नहीं लॉन्च किया है जो कि पुराने वाले फोन से बेहतर हो। ये फ़ोन जो है आपको डेडिकेटेड मेमोरी के साथ में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो 2 SIM के साथ में एक मेमोरी कार्ड इस फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। और अपने पुराने वाले फ़ोन्स की तरह ही यह फ़ोन भी आपको 2 वेरिएंट्स में मिल जाएगा, 3GB 32GB मेमोरी के साथ में और 4GB 64GB मेमोरी के साथ में। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको यह फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पर दोस्तों Xiaomi ने कुछ भी नया नहीं लाया है अपने इस फोन में। सिर्फ आपको डिस्प्ले में नॉच दी गई है, जो कि आपके ज़्यादा काम नहीं आएगी। वो सिर्फ एक डिज़ाइन के तौर पर अच्छी लगती है देखने में और आजकल ट्रेंडिंग में है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कैमरा की बात करें तो इसके पुराने वाले वर्जन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैमरा आपको बहुत ही कम क्वालिटी का दिया गया है। फ्रंट कैमरा आपको सिर्फ 5 MP का दिया गया है, जबकि पुराने वाले वर्जन्स Redmi के जो थे उनमें आपको 20 MP तक का सेल्फी कैमरा मिल जाता था। तो इस फोन को हम एक कैमरा सेंट्रिक फोन तो नहीं कह सकते, और आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कैमरा मिलेगा ऐसा भी दावा नहीं किया जा सकता। ओवरऑल दोस्तों हम आपको यह कह सकते हैं कि अगर आप Xiaomi के फैंस हैं और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं 10,000 से 15,000 रुपये के बीच में कोई डिवाइस लेने की, तो आप इस फ़ोन के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन आपको यह बता दूं दोस्तों कि इसी मार्केट प्राइस पर 10,000 पर Xiaomi का इससे पहले वाला फ़ोन Redmi Note 5 भी है। तो Xiaomi यहां पर अपने ही डिवाइसेस को टक्कर दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि Xiaomi कौन सी दौड़ में भाग रहा है और Xiaomi इस तरह के फ़ोन क्यों लॉन्च कर रहा है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो Xiaomi अपने कस्टमर्स को यहाँ पर उलझा रहा है कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। इतने सारे मॉडल्स हो चुके हैं अभी Xiaomi की कि समझ में नहीं आ रहा कि 10-15 हज़ार रुपये के बीच में Xiaomi का कौन सा फ़ोन पिक किया जाए। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो अब भी आप Redmi Note 5 Pro के लिए जाइए, उसमें आपको कैमरा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलेगा इस फ़ोन से। तो दोस्तों आपका इस फ़ोन के बारे में क्या विचार है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।